नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY खबर ही खबर। मैं विवेकानंद यादव। आज बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जिन लोगों की नामों की सूची राजभवन भेज दी गई है उन लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। नीरज कुमार व्याकुल व्याकुल हो चुके हैं, MLC हैं जदयू के। वह कहते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं नीतीश जी के साथ रहता था, मैं नीतीश जी का बचपन का साथी हूं, मुझे मंत्री बनाया जा रहा है, मुझे बहुत खुशी है। उनके अलावे श्याम रजक जो कभी राजद के मंत्री हुआ करते थे, राजद छोड़ जदयू में आए और जदयू में अब उन्हें मंत्री बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है, नाम भेजी जा चुकी है, स्पष्ट है। उधर संजय झा जो अभी एक दो दिन पहले MLC बनाया गया, जो दरभंगा से चुनाव सांसद का लड़ना चाहते थे लेकिन BJP के चुनाव लड़ जाने से उन्हें टिकट नहीं मिली, उस संजय झा को भी नीतीश कुमार ने मंत्री बनाने की सूची में नाम डाली है। साथ ही साथ विभा भारती, रंजू गीता, नरेंद्र नारायण यादव सहित अशोक चौधरी का भी नाम सूची में डाला गया है। स्पष्ट रूप से ऐसा झलकता है कि नीतीश कुमार जी ने सामाजिक समीकरण को बैठाते हुए, बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव देखते हुए सारे लोगों को मंत्रिमंडल में डाल रहे हैं ताकि असंतुष्ट लोग नहीं रहे और भाजपा द्वारा खेली जा रही साजिश में भाजपा नाकाम हो सके। अशोक चौधरी, रंजू गीता, विभा भारती, श्याम रजक, नीरज कुमार सहित नरेंद्र नारायण यादव, कुल 7 से 8 लोगों को बनाने की मंत्री जानकारी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली मैंने आपको दिया। साथ ही साथ ऐसा कहा भी जा रहा है कि 1-2 नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। बिहार में विस्तार किया जा रहा है, इस विस्तारीकरण में भाजपा के किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने भी केंद्र में नहीं मंत्री बनाकर कहीं न कहीं नीतीश जी को नाराज किया, उसी का यह स्पष्ट झलक दिखाई पड़ा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।